श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन करौली के मदन मोहन जी मंदिर में नंदोत्सव मनाया गया। राजभोग आरती के बाद नंदोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। इस अवसर पर मंदिर के सोल ट्रस्टी कृष्णचंद्र पाल और उनके बेटे विवस्वत पाल ने श्रद्धालुओं को छाक यानी प्रसादी लुटाई। प्रसादी पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़सी मची रही। इसके बाद ट्रस्ट के कर्मचारियों ने दही हल्दी से मिश्रित घोल श्रद्धालुओं पर बरसाया तो कृष्ण भक्त आनंदित नजर आए। देखिए करौली से हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। इससे पहले मंदिर में धूप और श्रृंगार आरती पर मंदिर परिसर में बधाई गीत गाए गए। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में नंदोत्सव की खुशियों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ब्रज संस्कृति से ओतप्रोत मदन मोहन जी मंदिर में नंदोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के उल्लास ने मथुरा वृंदावन का सा एहसास करा दिया। मदन मोहन वंशी वाले के जयकारों से माहौल गुंजायमान उठा। कृष्ण जन्म की खुशी में मनाया जाता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन, और नंदोत्सव है, इसी नंद बाबा को सब बधाई देते हैं और सभी लोग इसकी कृष्ण जन्म की खुशियां मनाते हैं, इसलिए ये एक विशेष उत्सव है और ये प्राचीन काल से अपने मंदिर में मनाया जा रहा है। इसी तरह से मदन मोहन जी मंदिर के साथ ही शहर के अन्य कृष्ण मंदिरों और अन्य मंदिरों में भी उल्लास के साथ नंदोत्सव का आयोजन किया गया। पंचायती मंदिर स्थित गोविंद देव जी मंदिर, गोपाल जी मंदिर, नवल बिहारी जी मंदिर सहित कई मंदिरों में नंदोत्सव का आयोजन हुआ। यहां लड्डू, मठरी, फल, खिलौने सहित अन्य प्रसादी श्रद्धालुओं को लुटाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं में कान्हा के जन्म की खुशियों का उल्लास छाया रहा। नंदोत्सव के दौरान कहीं भजन तो कहीं मदन मोहन वंशी वाले के जयकारे गूंजते रहे। जयकारों के बीच नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गुंजायमान रहा। साथ ही बधाई गीतों के स्वर भी गूंजे। विभिन्न मंदिरों में कृष्ण जन्म की खुशियों में छाक लुटाई गई।